इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि कवर करेगा सी सी एस यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जी हाँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन को हमने ईजी वे में कंपाइल किया है हमने इन क्वेश्चन को एज ए स्कैनर कंपाइल किया है टॉपिक वाइज और ईयर वाइज जो कि रिपीटेड आपके एग्जाम्स में कॉन्टिनुअसली रिपीट किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स फीचर्स सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स फीचर्स के क्या इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स होंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो टू थाउजेंड फिफ्टीन के अंदर पूछा गया वॉट डू यू मीन बाई इकोनॉमी इकोनॉमी से क्या मतलब है वॉट डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड अगेन टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन एंड नाइनटीन के अंदर इसके फीचर्स को पूछा गया इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स को लगातार तीन बार इन्होंने रिपीट किया है नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस को रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ को को डिस्क्राइब करना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहला क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा गया व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में पूछा गया और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर बात की गई 2015 के अंदर 2016 के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं सी यूनिवर्सिटी के जो बी के इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड वो है एन इकोनॉमी कैन नॉट डेवलप विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन कैपिटल डिस्कस ऑल्सो एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मीड बाय ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वोट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस के टाइम के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं ग्रोथ कैसी थी ग्रोथ का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन टू थाउजेंड एटीन के अंदर पूछा गया डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि रिपीटेड टू थाउजेंड फिफ्टीन के अंदर भी पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली अफेक्टेड विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहां पर पॉपुलेशन से रिलेटेड को मिक्स करके कंपाइल करके क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली अफेक्टेड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर यू एग्री विद दस स्टेटमेंट कमेंट 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है नेक्स्ट अगेन 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात की गई है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे यह हमने यहाँ पर कवर की दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन से क्या क्वेश्चंस बनते हैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कंपाइल किया गया है एज ए स्कैनर जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उन सबको टॉपिक वाइज पूरे के पूरे स्कैनर के अंदर कंपाइल किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन से प्लानिंग कमीशन क्या था किस तरीके से प्लानिंग कमीशन वर्क करता है और इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है जैसे कि अब प्लानिंग कमीशन को पब्लिस करके नीति आयोग आ चुका है इकोनॉमिक प्लानिंग किसके किसका काम है अब नीति आयोग का इससे प्लानिंग नीति आयोग से पहले किसका काम था प्लानिंग कमीशन का तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है 2014 के अंदर आया इकोनॉमिक प्लानिंग इज द की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री क्या इकोनॉमिक प्लानिंग की है डेवलपमेंट ऑफ़ कंट्री के लिए इस क्वेश्चन पे आपने यू हैव टू इलेबरेट ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस स्टेटमेंट आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ कंट्री किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जी हाँ बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर प्लान्स बनाए जाते हैं जो कि किसी ड्यूरेशन बेस्ड होते हैं जैसे प्लानिंग कमीशन के अंदर फाइव ईयर प्लान्स बनते थे नीति आयोग के अंदर सेवन ईयर फिफ्टीन ईयर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि काम होता है एनडीसी का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता था प्लानिंग कमीशन के अंदर और अब होता है नीति आयोग काउंसिल का उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस प्लानिंग कमीशन इन ब्रीफ पूरा का पूरा, पूरा प्लानिंग कमीशन आपसे पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन बॉडी किस क्या कि, किस किस तरीके से कंपाइल क्या एस्टेब्लिश हुई थी क्या उसका वर्क था क्या क्या उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होंगे और आपसे एक ब्रीफ के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन अगर तीन नंबर का बनता है तो सिंपली अपने प्लानिंग कमीशन के बारे में बताना है और अगर क्वेश्चन दस नंबर या उससे ज़्यादा का बनता है तो इसमें आपको पूरे फाइव जितने भी बारह फाइव ईयर प्लान आए थे उन सब फाइव ईयर प्लान को ब्रीफ में आपने डिस्क्राइब करना होगा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आपके फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड फाइव ईयर प्लान के अंदर आपसे दो ही बार क्वेश्चन पूछा गया टू थाउजेंड एंड 17 के अंदर आपसे पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एंड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकंड फाइव ईयर प्लान फर्स्ट एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान से दो क्वेश्चन बने टू थाउजेंड एंड सेवनटीन से अंदर जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों प्लान क्योंकि उस टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो प्लान बना था 1951 टू 56 बना था 51 से लेके 1951 टू 56 जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड था नेक्स्ट था 56 टू 61 जो हैवी इंडस्ट्रीज बेस्ड था ये दोनों प्लान आपसे पूछे गए हैं पहला एग्रीकल्चर दूसरा जिसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज बेस्ड सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो 1956 फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन पूछा गया नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेस से रिलेटेड कि इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है नेचुरल इकोनॉमिक रिसोर्स होंगे ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे कौन कौन से रिसोर्स होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे टू थाउजेंड एटी के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा गया आपसे टू थाउन्ड फिफ्टीन के अंदर वट डू यू मीन अनएम्लॉयमेंट in unemployment unemployment मतलब प्रॉब्लम और सजेशन कि दीजिए कि कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सकता है देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा वर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज का सेटअप होना तो इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्लानिंग uh, के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं किस तरीके से हमारी इकोनॉमी वर्क करेगी किस तरीके से हमारी कंट्री ग्रो करेगी बूस्ट करेगी वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आएंगे जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा रिड्यूस होगा पॉवर्टी एलिमिनेशन होगा सारी की सारी चीज़ें ग्रो करेंगी, करेंगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आपसे क्वेश्चन यहाँ पर एक और भी पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स बनती हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए पॉपुलेशन से यहाँ पर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी टॉपिक बनते हैं सबसे पहला आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम पॉपुलेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेड मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन सबसे पहला क्वेश्चन टू के अंदर जो पूछा गया है कि क्या मेन प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की जो रैपिड इंक्रीज़ मेन प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है कि जो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन वो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपने कमेंट करना है डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से जो रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर वो किस तरीके से प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के अंदर दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर डिस्क्राइब द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पर पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब करना कि क्या है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इंडिया के अंदर किस तरीके से ग्रो की गई है इंडिपेंडेंस के बाद से या इंडिपेंडेंस के पहले से ही कंटिन्यूसली यहाँ पर पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है उस रैपिडली इंक्रीज़ होने की वजह से स्का्टिटी ऑफ रिसोसेस हो रही है और सारी चीज़ों के बारे में आपने लिखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो गई है देखिए पॉपुलेशन इन एक्सप्लोजन की वजह से क्या होगा अर्बनाइजेशन होगा ज़्यादातर जो रिमोट एरिया या जो आपका रूरल एरिया से पॉपुलेशन है वो मूव करेगी किधर अर्बन एरिया की तरफ मूव करेगी जिससे कि लैंड के अंदर भी स्कॉट होगी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से रिसोर्सेस कम होंगे स्कॉर्सिटी हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो सारे के सारे रीजन होंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नेक्स्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्वेश्चंस बनते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए आपसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगेन टू के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइज जिसकी हमने अभी बात की अर्बनाइज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरीके से अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है अर्बनाइजेशन का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ चलती है किसकी फॉर द सर्च ऑफ जॉब जॉब की सर्च में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर बेटर होता है अर्बन एरियाज़ में तो उन सभी चीज़ को देखते हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली अफेक्टेड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से डायरेक्टली इफेक्ट होता है क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं अगर हैं तो आपने कमेंट करना है कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पॉपुलेशन से ही रिलेटेड टॉपिक बनता है फैमिली प्लानिंग देखिए फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप इसमें लिख सकते हैं कि इट वॉज द पार्ट ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था फैमिली प्लानिंग का मतलब होगा गवर्नमेंट क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज और क्या क्या पॉलिसीज लेके आती है फैमिली प्लानिंग का जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनते हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज़ से कि पॉपुलेशन पॉलिसी से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है पॉपुलेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन पॉलिसी क्रिएट की हुई है वो क्या है उसके बारे में आपसे पूछा गया 2016, 17 एंड 19 लगात तीन साल तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी आपसे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात की गई है कि पॉपुलेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं देखिए पॉपुलेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे टू रिड्यूस द पॉपुलेशन किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक्सप्लोजन होने से रोकना जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की पॉपुलेशन को जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया जा सके रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन तो यही मेन मोटिव होते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी के जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है टाइम टू टाइम अलग अलग पॉलिसीज लेके आती है मूव करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या क्वेश्चन बनते सबसे पहले तो उनके रोल के बारे में बात की जाती है और प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते सबसे पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आज नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री किसी भी कंट्री के बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बात की गई है कि लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरीके से नेसेसरी हैं उनका बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से जरूरी है नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का यहाँ पर रोल पूछा गया है पहले क्वेश्चन में भी उसका मतलब रोल सही है कि क्या रोल प्ले करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स बनते हैं क्वेश्चन डिस्कस द प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर सबसे पहले बात की गई है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है लगातार टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड सिक्सटीन के अंदर इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ जूट इंडस्ट्री इन इंडिया 2016 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे आपकी पर, इकर, आ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर पॉलिटिकल मेजर्स हो सकते हैं आपकी कैपिटल प्रॉब्लम हो सकती है लैंड की, की प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है आपसे पूछी गई है कि क्या वो क्या क्या रीज़न होंगे नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया तो हर साल यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन पूछे गए लेकिन 2015-16 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन भी था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिपीट होने के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिपीट फर्दर हो सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वॉट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ए स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया की क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं आपने सजेस्ट करने हैं सुटेबल मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स कि इन प्रॉब्लम से किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जा सकता है वो सारे सजेशन आपसे पूछे गए हैं और स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया डिफाइन कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जामाइन देयर इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के यहाँ पर जी हाँ ये प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आप डिफाइन करिए और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंस है उसकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसको एग्जामाइन करना है अपने यहां पर इलाबरेट करना है यहाँ पर बताना है 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये डिस्कस द की प्रॉब्लम ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया जी हां कॉटन एंड टेक्सटाइल कॉटेज इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं टू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया मेन एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इसको एग्रीकल्चर के अंदर भी हम रिलेट कर सकते हैं अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, अंदर बात करें,

एंट्रप्रनोरशिप वर्ड यूज़ किया जाता है एंट्रप्रनोर यूज़ किया जाता है फॉर द बिजनेस मैन जो नए स्टार्ट सेटअप लगाते हैं नए स्टार्टअप करते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोला जाएगा एंटरप्रोनियल सेक्टर यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बात की गई है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 2015, 17 एंड 19 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जी यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ चैनलाइजेशन ऑफ द मनी मनी के मूवमेंट के लिए चैनलाइजेशन के लिए बैंक्स का एस्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसीलिए यहाँ पर कमर्शियल कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिट करते हैं वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कोई भी बिजनेस ईजीली अपने वर्क को रन कर सके तो यही रोल होगा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉमर्शल बैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया आपसे टू थाउजेंड एंड नाइनटीन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गिव द नेम ऑफ थ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जी हाँ तीन नंबर का भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपने उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम देना है और उनके बारे में बताना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं आपके वर्ल्ड बैंक आई एम एफ इससे रिलेटेड आपने बताना है तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम और उनके बारे में डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में अगर क्वेश्चन तीन नंबर का बनता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कमर्शियल बैंक से रिलेटेड पूछा जाता है फाइनेंशियल फाइनेंशियलियलियलियलियंस्टीट्यूशन आर फेल्ड इन सॉल्विंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यहाँ पर बात की गई है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फेल है फेल हुए हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में इंडियन इंडस्ट्रीज़ की क्या वो रीज़न रहे होंगे जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर पाए वो सारी के सारे रीजंस आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं एग्जामाइन द स्टेटमेंट एंड स्टेट द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर आपसे उसके बारे में पूछा गया है और रोल भी पूछा गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या रोल होता है देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड डेवलपमेंट वो सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है वो किस तरीके से कंट्री को हेल्प करेंगी नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन बनते हैं मिनिमम वेजेस से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से भी यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इन in इंडिया क्या इफेक्ट होगा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का इंडिया के अंदर उसके बारे में आपसे 2016 के अंदर पूछा गया 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन है नेशनल वेजेस पॉलिसी जी हां इसको ठीक कर लेंगे नेशनल वेजेस पॉलिसी ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर क्या नेशनल वेजेस पॉलिसी अडॉप्ट की गई है उसके बारे में आपसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सिस्टम देखिए इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है जो कि तीन चीजों से मिलकर बनेगा आपका कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी यहाँ पर कैपिटलिज्म की बात की गई है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड मिक्सड इकोनॉमी कैपिटलिज्म का क्या मतलब होगा यहाँ पर फ्री इकोनॉमी होगा या फ्री मार्केट इकोनॉमी सोशलिज्म का मतलब होगा प्लैंड इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पर कि प्राइवेट इकोनॉमी या मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की कैरेक्टरस्टिक्स मिलती है वो आपका किसके अंदर आ जाएगा मिक्सड इकोनॉमी के अंदर जिसका कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सड इकोनॉमी इंडिया के अंदर कैसी इकोनॉमी अडॉप्ट होती है मिक्स इकोनॉम तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया वॉट इज वट इज मीनड बाय मिक्स इकोनॉमी क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इंडिया एक मिक्सड इकोनॉमी का एक्जाम्पल है इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया टू एंड नाइनटीन के अंदर वॉट इज मीड बाई मिक्स इकोनॉमी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में आए नहीं स्टिल वो इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डिफ्रेंशिएट करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को आप डिस्क्राइब करिए सभी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपको देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन हैं मीनिंग सेम ही है यहाँ पर इसलिए अलग अलग आप आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को एक टॉपिक से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपको इजी वे में बनाने के लिए कि जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंपाइल करके यहाँ पर इस नोट में आपको दिए हैं जिससे कि आपको इजी हो जाए किसी भी टॉपिक को इजीली करना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेन हेडिंग्स दी गई और उनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे देखिए एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी 2017 एंड 19 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का शेयर बनता था हमारे यहाँ पर सब पहले इंडिया कैसी इकोनॉमी थी इंडिया की मेन डिपेंडेंस जो होती है एम्प्लॉयमेंट की वो थी एग्रीकल्चर पे मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर अभी मूवमेंट किस तरफ है सर्विस सेक्टर की तरफ सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इंडियाज़ टोटल जी के अंदर ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर का पहले कैसप था एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यूनियन की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी किस पे बेस था एग्रीकल्चर पे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राइट डाउन द लेटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट इसेंटिव रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं इंडिया क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लेती है क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फार्मर्स को एग्रीकल्चर कल्चरल सेक्टर के लिए क्या क्या वो इंसेंटिवस गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस किए गए हैं या रीसेंट ट्रेंड्स बेस्ड जो भी होंगे वो सारे आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं जो कि 2018 में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर देखिए जी प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा गया वो चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से हो या पर टू के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और टू के अंदर ही आपसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर से रिलेटेड जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं इन क्वेश्चंस को करने पर आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा और पेपर के अंदर ये ऐसा हमने टॉपिक्स के अंदर कोई छोड़ा नहीं है सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए हैं जिससे कि ईजिली आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर हों